नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना COVID-19 पराजित होगा, जीतेगा भारत, जीतेंगे हम और हारेगा कोरोना COVID-19। जी हाँ, भारत सरकार के निर्देश पर लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं और प्रतिदिन स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। परंतु युद्ध लंबा है, लड़ाई लंबी है और इसको पराजित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीड़ा उठा के रखा है, आयुष मंत्रालय ने जो बीड़ा उठा के रखा है और उसमें सहभागिता कर रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं कोरोना योद्धा। ऐसे कोरोना योद्धाओं को हम प्रणाम करते हैं और ऐसे ही कोरोना योद्धाओं की बदौलत भारत सरकार निश्चित रूप से जो कार्य कर रही है उसमें वह सफल होगी। भारत जीतेगा कोरोना COVID-19, हारेगा। इस समय जो विश्व के आंकड़े हैं वह सबके सामने हैं, अनगिनत लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं, वहीं भारत की जो मृत्यु दर संख्या है वह काफी कम है और यहां पर स्वस्थ होने वालों की संख्या जो है वह लगातार बढ़ती जा रही है। यह जीत हमारे जो है वह निश्चित होती जा रही है। इस समय हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह के हेल्थ बुलेटिन की। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार जो है मुख्य जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से जो जारी हुआ है हेल्थ बुलेटिन, उसके अनुसार जो 27 सैंपल भेजे गए थे कोरोना COVID-19 के वह आ गए हैं और वह 27 के 27 इस समय नेगेटिव प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे टेली मेडिसिन की, तो टेली मेडिसिन में 456 लोगों की टेली मेडिसिन की गई। इनको स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य में किस तरीके से इनको रहना है स्वस्थ, इसकी जानकारी योग्य चिकित्सकों द्वारा इनको दी गई। क्रम में बात करें आगे तो जिला चिकित्सालय में 32 और अन्य चिकित्सालयों में 68 लोगों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार की का परीक्षण किया गया, उनको दवाएं दी गई और वो स्वस्थ कैसे हो सकते हैं इसकी जानकारी चिकित्सकों द्वारा दी गई है। इसी क्रम में बात करें 29,414 लोग बाहर से दमोह में आए और इन सबका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। होम क्वारंटाइन में 9,552 लोगों को रखा गया है। 13,386 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं होम क्वारंटाइन और क्वारंटाइन सेंटर में रहकर। हम आपको यह जानकारी दे दें कि जो आयुष मंत्रालय है भारत सरकार के, जो आयुष मंत्रालय के निर्देश पर यह जो तय किया गया है वह क्वारंटाइन का जो समय है वह 28 दिन है और 28 दिन रहने के बाद में यह 13,386 लोग दमोह के स्वस्थ हुए। इसी क्रम में बात करेंगे विदेश में रहने वाले जो दमोह के व्यक्ति हैं वह हैं 79, इनमें से 55 लोग वापस आए हैं जो स्वस्थ हैं। हम कामना करते हैं कि ये कोरोना COVID-19 के युद्ध में हम जीतेंगे और निश्चित रूप से भारत जीतेगा इसमें, कोरोना COVID-19 हारेगा। परंतु हम सबको कृत संकल्पित होकर इस अभियान में, इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता निभाना है, देना है और इसके लिए एक ही लक्ष्य, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें और बेवजह सड़कों पर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, कोरोना COVID-19 की हार होगी। समाचारों के लिए देखते रहिए LNV TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।